बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, बड़ी तेजी से डिटोरिएट हो रहे हैं हालात अफगानिस्तान के और तालिबान तकरीबन 60% से ज्यादा अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं और जिस तरीके से एडवांसमेंट जारी है और हम देख रहे हैं जिस तरीके से अफगान नेशनल आर्मी रेजिस्टेंस की बजाय तालिबान के सामने हथियार फेंकने को पसंद कर रही है, तो ये गालिब इम्कान है कि और कुछ माह के अंदर तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंचे। जैसे जैसे तालिबान की एडवांसमेंट हो रही है वैसे वैसे जो है अमेरिकन और अफगान और इंडियन मीडिया और इनके तहादियों का मीडिया जो है पाकिस्तान पे इल्जामात की जो है बौछार कर रहा है। आप जानते हैं कि कल पेंटागन के भी जो तर्जमान था उसने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है सेफ हेवन जो है सेंचुरीज मौजूद हैं तालिबान की। अब समझ नहीं आई कि अमेरिका ने बहुत जालिमाना किस्म की एक ड्रोन कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखी और कभी तो उस वक्त तो कोई इस किस्म की सेंचुरी नहीं नजर आई कि जहाँ पे वो लीडर्स को या उनके ऊपर हमला करता। लेकिन खैर, अमेरिका ताकतवर है इसलिए वो कह सकता है। लेकिन हम आज अफगानिस्तान की ये सिचुएशन जिस जहाँ पे अफगानिस्तान खड़ा है उसके पीछे क्या वजूहात हैं, आज हमारा मेन मौजू ये है और हम उन हालात को पिछले 20 साल का पोस्टमार्टम करते हुए अब जो कल दोहा के अंदर जो ट्राइका की मीटिंग हो रही है और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा उसकी तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि 98 के अंदर जब रॉबर्ट केगन ने ऑन पैराडाइज एंड पावर लिखी तो उसमें उसने कहा कि अमेरिका को जहाँ पे थ्रेट नजर आएगा पहले वहाँ पे थ्रेट जो है उसे वो एलिमिनेट करेगा और उसके बाद काम करेगा। और यही ताकत के बेजा इस्तेमाल की वजह थी कि इराक के अंदर भी शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा, एक सोसाइटी को बर्बाद करके अमेरिका को निकलना पड़ा, इसी तरह अफगानिस्तान से भी उसे भागना पड़ा क्योंकि ताकत के इस्तेमाल से मामलात बेहतर होने की बजाय बुरी साइड पे गए। आज अमेरिकन कहते हैं कि वो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, लेकिन अलमिया ये है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी नहीं कर सके जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका इस की क्या वो बड़ी खराबियां थी, क्या उसकी कोताहियां थी, मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा हालात जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब-उज़-ज़मां सफी साहब, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और तो दिफाई तजियाकार हैं जिन्हें आप टेलीविजन के ऊपर अक्सर देखते हैं। सर, आपके ख्याल में सबसे बड़ी जो अमेरिका से कोताही अफगानिस्तान में हुई वो क्या थी? बहुत शुक्रिया बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अब इसका जो प्रश्नोत्तर है कि नेशन बिल्डिंग के लिए आए थे, किस लिए आए थे, अगर आपको याद होगा 2001 में जब जो टीम इनकी थी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, डिक चेनी और बुश, इनके बारे में जनरल क्लार्क एक हैं जो बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये एक प्लान बनाया था उन्होंने कि टू अटैक 7 कंट्रीज इन 5 ईयर्स, और उस 2001 की बात थी जिसमें लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, आपका जो इराक और फिनिशिंग ऑफ विद ईरान, ये 7 मुल्कों के नाम वो लेते हैं सीक्वेंस में, सोमालिया और सूडान वगैरह भी शामिल थे। तो ये एक 5 ईयर, 7 कंट्री, लेकिन बाकी 6 तो कर दिया, लेकिन ईरान को हाथ लगाते हुए इनकी हिम्मत नहीं हुई और वो रुक गया। तो ये कहना कि यहाँ पर आए थे अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए, ये एक उनका नैरेटिव वैसे ही है जैसा कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक के लिए किया गया था। सो वी आर वेरी क्लियर, एटलीस्ट आई एम क्वाइट क्लियर कि दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके आज तक जितनी भी इलीगल वॉर्स हुई है, तकरीबन 13-14 के करीब, सबके पीछे उनका अपना एक नैरेटिव था जो कि असलियत में मबनी था, एक एक फॉल्स और फ्लाइंग ऑपरेशन था, एक फिक्टिशियस एनिमी बना के उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इस हद तक उनको आप मान सकते हैं कि एवरी कंट्री प्रोटेक्ट्स हिस नेशनल इंटरेस्ट, तो उनके जहां जहां नेशनल इंटरेस्ट को उनको खतरा नजर आया उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और उसकी लीगल जस्टिफिकेशन कोई नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस दौरान में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसकी कारकर्दगी नहायत बेकार रही है और वो जिस मकसद के लिए क्रिएट हुआ था वो उसके बजाय
लीगल कवर प्रोवाइड करता रहा तमाम उन वॉर्स को जो कि अमेरिका ने लड़ी इस अरसे के दौरान। वीटो पार्क इस्तेमाल नहीं किया चाइना ने, चाइना का भी बड़ा एक बड़ा सोचा समझा प्लान था जिसके तहत वो अपना उन्होंने बिहेवियर रखा। अब वो स्टेज आ गई है जहां पर यूनाइटेड नेशंस में चाइना इज प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल और एक बाईपोलर वर्ल्ड से दोबारा आपके पास सॉरी यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड होगी वेयर दे आर बीइंग चैलेंज। तो उम्मीद करता हूं कि यूएन का जो की परफॉर्मेंस है वो इस नेक्स्ट 10 ईयर्स में बेहतर से बेहतर होगी, क्योंकि वो लीगल कवर या वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं देगा जो अब तक देता रहा है अमेरिका को। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिकन्स की जो एरोगेंस और यूनिलैटरलिज्म हमने देखी है इस दौरान वो अभी भी जारी है, और बजाय इसके कि जो सिचुएशन खराब हो रही है उसका जायजा लें और अपने आप को उसके मुताबिक करेक्ट करें, अभी भी जैसे आपने सही कहा कि इल्जाम के लिए कोई स्केप को ढूंढते हैं और उस पर इल्जाम धर देते हैं कि इसकी वजह से ही हुआ, जबकि इससे और खराबी पैदा होती है, बेहतरी नहीं आती। तो उम्मीद यह है कि जो 11 तारीख को कल जो मीटिंग हो रही है उसमें ये पाकिस्तान चाइना रशिया और अमेरिका शामिल है, मुमकिन है कि ये हम तीन मिलके अमेरिका को ये बावर करा सकें या आपका सूरज गुरूब हो चुका है, सारी अंपायर्स दुनिया में बनी और खत्म हो गई, योर टाइम इज अप, यू हैव बीन प्लेइंग विद फायर ऑल द टाइम, आपके तमाम डिसीजन जो थे वो यूनिलैटरलिज्म पे मबनी थे, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव अंदाज से आप जाते, आपने जिन जिन मुल्कों में गए उन मुल्क की तबाही कर दी, चाहे वो लीबिया हो चाहे वो सीरिया हो चाहे वो इराक हो, सब जगह को जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे उनके यहाँ के लोगों को आपने मारा, उनके आपने इकोनॉमी खराब की और उनकी तमाम तर जो स्ट्रक्चर था उसकी तबाही का जिम्मेदार अमेरिका है। तो अभी भी टाइम है कि अमेरिका शुड अंडरस्टैंड कि अब आगे इसको लेकर चलना मुश्किल है, अपने अपनी आदत और अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसके रियलिटी के मुताबिक चेंज करें एंड बी पार्टनर इन पीस, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वी वुड लाइक टू बी पार्टनर इन पीस, और उन तमाम चीजों को आप करने की कोशिश करें जिससे हालात बेहतरी की तरफ जाए, ना यह कि उसमें आप टर्मोइल और पीस प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं जो अमेरिका वाले। सर एक चीज तो अफगान तारीख पे नजर उठाएं तो 90s के अंदर हमने देखा कि खाना जंगी शुरू हुई और इस खाना जंगी के रिएक्शन के अंदर ही कंधार के अंदर मुल्ला उमर पढ़ा रहे होते हैं, जिसको कहते एक गलत वाकया होता है जिसमें मुल्ला उमर के पास बाप आता है उस लड़की का, मुल्ला उमर अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेके साथ जाते हैं, उस वॉरलॉर्ड को मारते हैं उसको, और उसके बाद ये तालिबान तहरीक जो है ये नजर जो है ना फैलनी शुरू हो जाती है, लोग इंसाफ के लिए आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर कट शॉर्ट, तालिबान तहरीक जो हमें उसका वजूद नजर आता है वो बेसिकली एंटी वॉरलॉर्डिज्म, जो खाना जंगी की वजह से लोग तंग थे इसी वजह से तालिबान को हम देखते हैं कि वो आगे आते हैं। अब जब 9/11 का वाकया हो जाता है, और 9/11 का वाकया भी बेसिकली अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंट्री के नाम से एक न्यूट्रॉन थिंक टैंक है, उसने अपने पेपर रीबिल्डिंग अमेरिका डिफेंसेस में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अमेरिका को अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए जिस तरह उसे करनी चाहिए और दुनिया को डोमिनेट करने के लिए जो है एक पर्ल हार्बर जैसे इंसिडेंट की जरूरत है जो 9/11 की सूरत के अंदर अमेरिका को मिल गया। अब अमेरिका के हाथ खुल गए और जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया वो सबके सामने था। अफगानिस्तान के ऊपर जब हमला होता है तो हम देखते हैं वही वॉरलॉर्ड्स जिनकी वजह से तालिबान को शोहरत मिली और ताकत मिली, उन्हीं वॉरलॉर्ड्स को अमेरिका ऑन बोर्ड लेता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 2003 की एक रिपोर्ट मेरे पास नॉर्वेजियन एक थिंक टैंक की है कि 80,000 पश्तून जो हैं उनको नॉर्थ से भगा के साउथ की तरफ भेज दिया जाता है, पश्तून एरियाज में उनमें से कुछ पाकिस्तान आ जाते हैं, रेशियल प्रोफाइलिंग की जाती है, जहाँ पे पश्तून नजर आया उसे मारो, तालिबान को अपने जो ग्रीवेंसेज हैं अपने स्कोर्स जो हैं वो तालिबान के नाम पे जो हैं क्लियर किए जाते हैं, ताकत के जरिए अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि तालिबान तहरीक जो अफगानिस्तान पे हमले के बाद अंडरग्राउंड चले गई और लोग खुशियां मना रहे हैं कि तालिबान चले गए, खुद पश्तूनों के अंदर
वही तहरीक जो है एकदम फिर ताकत पकड़ना शुरू कर देती है और अमेरिकन को जो है चैलेंज करना शुरू कर देती है विद इन 2 years ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ काबुल। तो आप क्या समझते हैं अभी जो कुछ चल रहा है, अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो अफगान एयरफोर्स जो बॉम्बिंग कर रही है वो बेसिकली पश्तून एरियाज पे कर रही है, जबकि जो नॉन पश्तून एरियाज जो है उनको छोड़ा जा रहा है, वहां पे उस तरीके से बॉम्बिंग नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि जो सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन क्रिएट की वो क्या अमेरिकन को ही नहीं क्रेडिट जाता कि इन्होंने की, और नॉन पश्तून एलिमेंट्स को आगे लाके पश्तूनों का इस्तेमाल किया? देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी डिसेंशन और फ्रिक्शन और लड़ाई के माहौल को प्रमोट किया है अमेरिका ने, जिन जिन जगहों पे हो गए उसका कोई हिसाब नहीं है। पश्तूनों को आपने डिवाइड कर दिया, आपके ये आईएसआईएस क्रिएट की, दाइश क्रिएट किया, टीटीपी क्रिएट की, ये तमाम इन्हीं के क्रिएट किए हुए आउटफिट्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया यही तमाम एक्टिविटीज के लिए जिसकी निशानदेही आपने की। और अब सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि आप वो टोटली एक्सपोज हो गए हैं उन तमाम आउटफिट्स का जो लिंक था वो लोगों ने एस्टैब्लिश करके देख लिया कि इनके ताने बाने किससे मिलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन हैव हैड टोटल कंट्रोल ऑफ दीज आउटफिट्स और इनके जरिए इन्होंने पाकिस्तान में तबाही फैलाई, इसके जरिए अफगानिस्तान का उन्होंने स्ट्रक्चर और सुकून तबाह किया, और वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ उनको एक एक दूसरा आउटफिट दे के उनके साथ लड़ाई करवाई। तो बहरहाल अभी तक इनका जो एम है वो यही है कि वी कंटिन्यू टू क्रिएट दैट टर्मोइल एंड फ्रिक्शन ताकि उनकी रेलेवेंस यहाँ पर रहे। अगर सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है पीस प्रोसेस पे या डिरेलमेंट का जो आंसर है वो अमेरिका खुद है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पर पीस हो। अगर यहाँ पर पीस होगी तो आगे डेवलप पूरा रीजन इससे फायदा उठाएगा, खास तौर पे चाइना के आने के बाद जहाँ पर सीपैक प्रोग्राम चल रहा है, चाइना ने अफगानिस्तान के साथ बात की है जो। और दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा एक आपके तवज्जो से, ये तालिबान का लफ्ज जो डिमोनाइज लफ्ज है अमेरिकन नैरेटिव में या वेस्टर्न नैरेटिव में, आई हैव स्टॉप कॉलिंग देम तालिबान बिकॉज वो इस्लामिक एमिरेट्स का जो उन्होंने नाम दिया है, दीज आर द फोर्सेज ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स जो ऑपरेट कर रही हैं। तो आई विल बी यूजिंग दिस इन माय दिस नैरेटिव। तो यू नो इनको उन्होंने हर तरीके से जो एग्रीमेंट किया उसकी आपने वायलेशन की, और अब जब उसकी में कामयाबी नहीं हो रही है, और जो लोकल्स है ये बड़ी सोचने वाली बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो इस्लामिक एमिरेट्स फोर्सेस हैं दे आर बीइंग वेलकम्ड बाय द लोकल्स, और इन्होंने बड़ा एक सोचे समझा प्लान के तहत अभी कार्रवाई की है। जो इनके वेरियस प्रोविंसेस में बुजुर्ग हैं जो जिरगे के हेड्स हैं उनके साथ रापता किया है, और उनके जरिए लोकल्स को ये यकीन दहानी करा दी है कि यू आर सेफ इन आवर हैंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप गौर करें कि जितने भी 85-90% काबिज होने के बावजूद कोई रेफ्यूजी खास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ बिकॉज सबके सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं। अभी कल उनकी स्पोक्समैन की शाहीन की इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि जिन 5 प्रोविंसेस पे हमने कब्जा किया है वहां पर बिजनेस एज यूजुअल है, दफातर खुले हुए हैं, बिजनेस चल रही है, स्कूल खुले हुए हैं, बच्चियां भी जा रही हैं स्कूल, और सारा कुछ चल रहा है, किसी किस्म का कोई बेरबती नहीं पैदा हुई है। और इस चीज से परेशान है अमेरिका भी और गुड ओल्ड इंडिया, जो कि उनके दोनों के मफाद में नहीं है कि ये यहाँ पर पीस हो। तो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं अपना उन बेधड़क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सिविलियंस भी मर रहे हैं और बहुत सारे जो उनके फोर्सेस के उनको भी उस पर जख्मी हो रहे हैं, लेकिन उनके नज़दीक दोनों में कोई फर्क नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट कि वो उन फोर्सेस को मारे, द ऑब्जेक्ट इज कि हम इतना वॉयलेंस क्रिएट कर दें कि ताकि वो एक पीस प्रोसेस को एक दूसरे अंदाज से देखा जाए। कल जो मीटिंग होगी उसमें आप देखिएगा, मेरा प्रडिक्शन ये है कि अमेरिकन जो है वो इल्ज़ाम तराशी जैसे करते रहे वही करेंगे बैठ के कि जी पाकिस्तान ने ये किया और तालिबान ने ये किया, और अपनी जो उनकी जो इंट्रीग्स हैं उनकी अपने जो वो कहते हैं
आइडियाज हैं और अपने हरकत हैं उनको वो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये वक्त आ गया है कि वेयर वेयर दे मस्ट सिट डाउन सीरियसली एंड स्टार्ट निगोशिएटिंग, जो कि आपने साइन किया था एग्रीमेंट दोहा में, उसको आगे बढ़ाएं, एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए ज्वाइन हैंड्स, उसको गनी को बोले स्टेप डाउन एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी फैक्शन सारे के सारे उसमें हो और वो उसको चलाए उस हुकूमत को, इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवाने के बाद जो हुकूमत आती है उसके वाले कर दें। ये ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो आगे चलेगी बात। इलेक्शन कैसे करवाएं सर? करप्शन इंडेक्स के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान जो है 180 ममालिक के अंदर से 177 नंबर पे है, यानी कि करप्ट तरीन मुल्क होने के लिए उसे 3 स्टेप और नीचे आने की जरूरत है। हर चेक पॉइंट पे अवाम की जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल कर दी गई है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए जो है तालिबान का साथ दे रहे हैं और इसी तरीके से बाकी जमातों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट जिस तरीके से उन्हें लूट रही है, जिस तरीके से कब्जा ग्रुप्स बन चुके हैं, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये जो अभी कई मोहल्लात के ऊपर कब्जा किया तालिबान ने, जिसमें दोस्तम का घर हो गया या ये कमांडर राजिक हो गया, उसे देख के बंदा एकदम परेशान हो जाता है। एक एक अवाम की क्या लाइफ स्टाइल है, इनका क्या है सर? करप्ट तरीन सोसाइटी, जिस करप्ट तरीन क्या नाम है गवर्नमेंट जिसने अपने अवाम को खुद मुतनफर किया, आज वो करप्ट तरीन मुल्क जो है जिसके शवाहिद, ये मेरे कहने से नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ कह रहा हूँ, आप इंटरनेट सर्च कर लें, ट्रांसपेरेंसी को देख लें, आपको सामने आ जाएगा जो वहां पे इस वक्त सिचुएशन चल रही है। ऐसे हालात में अपनी नाकामियों को, अपनी करप्शन को जिम्मेदार ठहराने की बजाय ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है बाढ़ के खिलाफ थे। बाढ़ लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ जो मेन जो पॉइंट्स है जहाँ पे अफगान भी खड़े होंगे, यहाँ पे हम खड़े होंगे, वहीं से क्रॉसिंग होगी। अमेरिका भी ये जानता है और आज अमेरिका इंतहाई बेशर्मों की तरह कह रहा है कि बाढ़ को हटाया जाए ताकि रेफ्यूजीज इस जगह पे आ सकें। सर ये कैसी, यानी कि क्या दोगले किस्म की इस वक्त सियासत चल रही है और किस दज्जाली तरीके से मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को विलनाइज कर रहे हैं और जिन्होंने ये तमाम बुराइयों के बीज बोए आज उनको हीरो बना के शो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मैंने कहा ना कि जो इंटरनेशनल मीडिया है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ज्यूइश लॉबी और ज़ायनिस्ट, जो के तमाम एक नैरेटिव को नॉट ओनली बनाते हैं बट फैब्रिकेट करने के बाद उसको प्रोजेक्ट करते हैं और बड़ा तरीके से उस पर काम करते हैं, और हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं जिनके पास एक्सेस है उनको तो पता चल जाता है कि कहाँ पर इन्होंने फिक्टिशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन आम जो लोग बैठे हैं मुल्कों में उन जिनकी पूरी रसाई नहीं है उनको इनकी टीम बातों में सच्चाई नजर आती है। तो ये तो बहुत पुराना, मैं शुरू कर दीजिए जब ये नया नया तालिबान का किस्सा शुरू हुआ था और पाकिस्तान वॉज ने अपना नॉर्थ वजीरिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज को क्लियर कराया है, तो उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक डेवलप हुई थी कि जब इस एरिया को हम क्लियर करेंगे, यहाँ से नॉर्दर्न वजीरिस्तान से लोग भागेंगे, उस वक्त बाढ़ नहीं लगी हुई थी, ये लोग यहाँ से जब भागेंगे तो उस तरफ आएंगे आपकी तरफ, यू शुड बी रेडी एंड आपके लिए भी और हम दोनों के लिए ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है, तो एज सून एज दे क्रॉस देयर आप उनको अटैक करेंगे। तो वो एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एनविल एंड हैमर, तो एक एनविल होता है और एक हैमर होता है। एनविल से आप जिस पे आप हथौड़ा मारते हैं तो वो उस पे रख के उसको वो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो लोग कौन थे, वो टीटीपी के लोग थे जो कि इन्हीं की पैदावार थे, अमेरिकन ने पैदा किया था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो जब इनकी यहाँ हमने कार्रवाई की, इतनी हमने जानों की कुर्बानियां दी, अपने एरिया को क्लियर किया, तो जब ये वहां भागे तो अमेरिकन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको वहां पनाह दे दी और उसके बाद वक्तन फवक्तन वहां से ये इनको लॉन्च करते रहे। इसीलिए उनको ये इस बाढ़ लगाने से बड़ी तकलीफ है कि उनके लिए जो आसानियां थी क्रॉस करके आ जाने की वो अब नहीं रही है। तो सबसे बड़ी बात ये आवाम अपने नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि ये एक सोचे समझे प्लान के तहत ये डिमांड कर रहे कि जी बाढ़ गिरा दो और आप उनको रेफ्यूजीज के ले लो। अच्छा, जो रेफ्यूजीज हमारे पास आ गए उनमें बहुत सारे उनके प्लांटेड भी लोग थे जिनको बाद में उन्होंने
पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया, के साथ इस्तेमाल किया, तो इसलिए अभी तक उनके जहनों में या उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही है कि उनका जो फेलियर है वो इन हमने इन तमाम एक्टिविटीज को रोका है, इन मोस्ट सक्सेसफुल कार्रवाई अगेंस्ट दी TTP हमने की है और ये बाढ़ बना दी है, तो इन तमाम तर कार्रवाई से उनके मसाइल बढ़ गए हैं, उनकी एक्टिविटीज को रुकावट लग रही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप ये गिरा दें। और वो अभी भी, मेरा इसमें कोई शक नहीं, अभी भी दे आर नॉट सीरियस, दे डू नॉट वॉन्ट पीस हियर, दे स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू टू रिमेन हियर, और वो उसी वक्त रहेंगे तक रहेंगे जब तक यहाँ पर इस तरह की चीजें होती रहे, बॉम्बिंग करेंगे। और शुक्र है कि पाकिस्तान ने वो एयर स्पेस का जो था माहिदा था खत्म कर दिया, दे डो कांट यूज आवर एयर स्पेस, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वी आर पार्टनर इन पीस बट ऑपरेशन में आप हमारे एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अब वो अगर आएंगे तो ताजिकिस्तान की तरफ से आए, जो भी आए। बहरहाल ये उनका मकसद यही है कि हम यहाँ पर अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे ताकि ये पीस का जो प्रोसेस है वो डिरेल हो जाए। सर ऐसा ही है सर, इसके अलावा एक और बड़ी चीज हमने देखी कि जो अफगान फोर्सेस जो है, एक नया स्कैंडल सामने आया, कुछ अफगान सहाफी भी इस पर बात कर रहे हैं कि कहा गया था कि 2.5-3 लाख के करीब अफगान फोर्सेज हैं, तो अब पता चला है कि उसमें से अक्सर गोस्ट, जिस तरह हम सुनते हैं कि सिंध के अंदर गोस्ट स्कूल पकड़े गए हैं, कि टीचर्स आ रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं, बिल्डिंग जो है वो मौजूद अक्सर नहीं है, इसी तरीके से अब पता चला है कि कई अफगान गोस्ट सोल्जर्स हैं जो बेसिकली तनख्वाहें उनकी जाती हैं, और आप जानते हैं वो तनख्वाहें किन के पास जाती होंगी, अब्दुल्ला साले के पास, अशरफ गनी के पास, लाखों डॉलर्स के अंदर वो तनख्वाहें होंगी। बहुत बड़ा फेलियर हमारे सामने आया। फिर हमने ये भी देखा सर कि अमेरिका पूरी ट्रुप सर्च के साथ ओबामा के ज़माने में लाखों सोल्जर्स के बावजूद जो है, जो शाहराएं इस्तेमाल करते थे इनके जो लॉजिस्टिक की, उसमें तालिबान को भत्ता देते थे, और तालिबान के एक अच्छा खासा बड़ा जो है जरिया जो कमाने का था वो ये था। फिर आपने देखा कि तालिबान के ज़माने के अंदर जो पॉपी ग्रोथ ख़त्म हो गई थी, आज वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि पूरे खितानी पूरी दुनिया के लिए वहां की बनी चर्स, अफीम वगैरह, क्योंकि अब तो तालिबान नहीं थे, तो ये कौन उगा रहा था, किसके सर के ऊपर ये इतना बड़ा नारकोटिक्स का जो एक जाता है, ये किसके सर पे इल्जाम आता, और ये किसका फेलियर था कि जिसके आने के बाद जो है ये शुरू हो गया। सर ये सवाल कौन पूछेगा, क्या वजह है कि मीडिया इस पे नहीं बात कर रहा, ना हमारे लीडरशिप इस पे बात करती है, ये सवालात है हमें भी जो आप देना है, जो हम पे उंगली उठाते हैं तो हम भी पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही निशानदेही की, मैं इन्हीं की तस्करा करने वाला था, पॉपी क्रॉप की जो ग्रोथ किस तेजी के साथ बढ़ी और किस पूरी दुनिया में किस अंदाज से ये भेजी जा रही है, जबकि ये जो आपने नाम लिया दोस्तम का या गनी का या इनके जो इलीट जो रूलर्स हैं, उनका वही हाल है जो हमारे इलीट चले गए, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, वो इसमें कोई मुशाबियत नहीं, ना उनको नो लव लॉस फॉर द कंट्री, दोनों दोनों के लिए, ना इनको कोई मुल्क से प्यार है ना उनको प्यार है। वो अभी अब मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि अभी अनदर कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, जब ये घेरा और तंग हो जाएगा एंड गनी को ये महसूस होगा कि शायद अब उसके लिए बचने के चांसेस कम है, तो जो यहाँ की दौलत लूटी हुई है उसने बाहर जमा की हुई है और जिस तरह के उनके महल हैं और जो उनके आसाइश है, वो यहाँ से भाग जाएगा, ही विल एस्केप, ही विल नॉट बी देयर टू सरेंडर। तो इसलिए ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये अमेरिकन ने जानबूझकर इनको प्रोटेक्शन दी है, इनको तमाम तर वो सहूलियात दी जिसके तहत ये पॉपी ग्रोथ करते, करप्शन करें और मुल्क के लिए कोई काम नहीं करें, जो आवाम है वो उसी तरीके से पिस रही है, उनके लिए आम जिंदगी के जो बेसिक जरूरियात है वही पूरी नहीं हो रही, लेकिन इनको तमाम चीजें मिल रही हैं और वो मिलती रहेंगी। तो अब इस सिचुएशन में इनके लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि ये इस्लामिक एमिरेट्स की जो जो इस दफा अप्रोच है, जो फोर्सेस बड़े सोचे समझे प्लान के, बिलाल साहब गौर फरमाइए कि दे हैव बीन टू रशिया, दे हैव बीन टू चाइना, दे हैव बीन टू ईरान, इन तमाम जो इनका जो फॉरेन ऑफिस या फॉरेन एलिमेंट है वो एक्सपर्टीज है, उन्होंने इनके साथ बात की है, इन ममालिक के तहफात को दूर किया है और इनके साथ एक 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 रापोर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है जो कि अमरीका को पसंद नहीं है, और किसी भी तरीके से वो ये चाहेगा कि इस यहाँ इतनी ज़्यादा
वो टर्मोइल हो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो कि ये पीस प्रोसेस जो है वो आगे ना बढ़ सके। ऐसा ही है सर। कल सर आखिरी क्वेश्चन के, कल दोहा के अंदर फिर टॉक्स हो रही हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बेहतरी आएगी क्या, या आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका यही कहेगा स्टेटस कूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाकी नेबर्स हैं खासतौर पर रशिया की तरफ से पाकिस्तान को जिस तरीके से डिफेंड किया गया कबल ऑफ, जो उनके जमीन कबल ऑफ ने कहा कि एक कुछ लोग जो हैं अपने फेलियर्स को पाकिस्तान के सर पे थोप रहे हैं, एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का था। इसका मतलब ये कि खित्ते के जो बड़े ममालिक हमसाए हैं वो जानते हैं इस वक्त क्या गेम खेली जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या खित्ते की फोर्सेस प्रिवेल करेंगी या अमेरिकन इंडियन जो एक ट्रॉयका बना हुआ है अशरफ गनी का वो प्रिवेल करेगा? देखिए, अभी 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 खबरें ये भी आ रही हैं यहाँ की, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अमेरिका के, उनका टेलीफोन कॉल आई है जनरल बाजवा के साथ। उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशंस, और हम लोगों के जो कॉमन इंटरेस्ट है हम उन पे तवज्जो देंगे। अब ये जुमला बड़ा गौरतलब है, वी विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट इन दोज एरियाज जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट पाकिस्तान का और अमेरिका का कोई कॉमन इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है इसके हवाले से। तो उनकी ये टेलीफोन कॉल या उनकी जो गुफ्तगू हुई है, ये ऐसे ही रेटरिक्स हैं जिसका कोई असलियत से ताल्लुक नहीं है। एट द मोमेंट इन अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड अमेरिका आर पोल्स अपार्ट, उनका इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है, आपका इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है। इसलिए देर इज नो चांस ऑफ एनी रिकन्सिलिएशन ऑन ऑन वो एरियाज है ही नहीं जहां पर आप कॉमन इंटरेस्ट देखेंगे। पाकिस्तान वांट्स पीस, अमेरिका डजंट वांट पीस। तो ये इन दो चीजों के दरमियान अब जो कल के मीटिंग है, आई होप द चाइनीज एंड द रशियंस, बिकॉज रशियंस ने बड़ा क्लियरली सपोर्ट किया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, चाइना ने बहुत क्लियरली सपोर्ट किया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, और पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी किरदार है इन इन द होल पीस प्रोसेस, उसको एक्नॉलेज किया है। जबकि उनका जो कैंप है जिसमें अब इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी सदारत इंडिया के पास है, एक उन्होंने मीटिंग कॉल की, पाकिस्तान को इनवाइट भी नहीं किया और उसमें पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी भी की, और उसके बाद एंड में उसके जो नरे वो कम्युनिकेट जारी हुआ उसमें पाकिस्तान से मदद भी मांगी है। आई मीन इट इज सो डैम रिडिकुलस कि जिसकी कोई कोई सरोकार ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का जो मीटिंग है उसमें ही बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड अमेरिकन वुड रियलाइज कि दैट दे हैव लॉस्ट द बैटल। एज आई हैव सेड कि दोहा में जब आपने एग्रीमेंट साइन किया, व्हिच आई कॉल इट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया था, आपने ये रियलाइज कर लिया था कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और नैरेटिव जो है वो पिट गया है, देयर इज नो वे यू कैन प्रोसीड, बट यू कॉन्ट लूज। यहाँ से आपका बेदखली जो है आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आप उसी तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर उन्होंने अपना आइडियाज चेंज किए, सीरियसली रिकंसिलिएशन के मोड में बैठे, तो देन वी विल फाइंड कॉमन ग्राउंड। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। कल एक बहुत अहम मीटिंग है और उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस सर ने कहा कि एक बेहतर सोच जो है प्रिवेल करेगी, अमेरिका जितनी बॉम्बिंग करेगा कोलैटरल डैमेज उतना ज्यादा होगा, उतना ही मुस्तकबिल के लिए अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट जिस तरह के दोहा के अंदर एग्रीमेंट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी और ये चीज मानी गई थी कि अशरफ गनी जाएगा, इंटरिम सेटअप बनेगा, इंटरिम सेटअप के लिए अब काम होगा, अशरफ गनी को कहा जाएगा थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक बात ये है कि एक होता है ना कि अमेरिकन पपेट हो अशरफ गनी तो फिर तो अमेरिका उसे सपोर्ट भी करे, लेकिन इस वक्त अशरफ गनी जो कुछ कर रहे हैं वो एज अ इंडियन पपेट के तौर पर कर रहा है और जो अमेरिका की अपनी रसवाई का बायस बन रहा है। तो होपफुली अमेरिका को ये बात समझ आएगी और इलाके में अमन जो है जिस तरह पाकिस्तान चीन और बाकी ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा उसी तरह अमेरिका के लिए भी क्रिएट होगी। अभी क्वाड टू की उसने बात की, लेकिन अशरफ गनी गवर्नमेंट के होते हुए क्वाड टू मुमकिन नहीं है। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।